प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम शेमसी भाग एक से अपना छठा पाठ पढ़ेंगे। भ्रांतो बालः, भटका हुआ बालक, भ्रमित बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस कथा में ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह अपने खेलकूद के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है और अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी कार्य के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब वह भी व्यर्थ में समय गंवाना छोड़ करके अपना कार्य करेगा। तो अब पाठ शुरू कर लेते हैं और आपको सरल भाषा में हिंदी अनुवाद समझाने का प्रयास करता हूं। भ्रांता कश्चन बाल है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगम। भ्रांत है भ्रमित, भटका हुआ, कश्चन कोई, बाल है बालक। पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम क्रीड जमा तुमन, खेलने के लिए, निर्जगाम चला जाता है। किंतु तेन सह केलि भी कालक्षेप्तुम तदा को अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। किंतु लेकिन तेन उसके सह साथ केलि भी खेल के द्वारा कालम समय क्षेप्तुम बिताने के लिए तदा तब को अपि कोई भी न नहीं वयस्येषु मित्रों में उपलभ्यमान है उपलब्ध होता आसीत। लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी उसका मित्र उस समय उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवु। यतः जमा ते, क्योंकि ते वे सब सर्वे सभी अपि भी पूर्व दिन पाठात पहले के दिन के पाठों को स्मृत्वा स्मरण करके याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा शीघ्रता से या शीघ्रता में बभूवु लगे हुए थे। वे सभी पहले दिन के पाठों को स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे या जल्दी में थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरेण एकाकी किमप्युद्यानम प्रविवेशः। तंद्रालु जमा बालः। तंद्रालु आलसी, बालः बालक, लज्जया लज्जा के साथ तेषां उनके दृष्टिपथम अपि दृष्टि के रास्ते से भी अर्थात उनके मार्ग से परिहरेन बचता हुआ एकाकी अकेला ही किम जमा अपि जमा उद्यानम किसी भी उद्यानम बाग में किसी बाग में प्रविवेश प्रवेश कर गया। आलसी बालक लज्जा के कारण उनकी दृष्टि से बचता हुआ उनसे नजरें बचा करके उनके रास्ते पर न जा करके अकेला ही किसी बाग में चला गया। स चिंतयामास विर्मन्तवेते वराकः पुस्तकदासः। स उसने चिंतयामास सोचा विर्मन्ति जमा एते विराम करने दो रहने दो एते इन सब को वराकः बेचारे पुस्तकदासः पुस्तक के दासों को। उसने सोचा कि इन बेचारे पुस्तक के दासों को रहने दो रुके रहने दो अहम पुनरात्मानम विनोदिष्यामि। अहम मैं पुनरात्मानम पुनः जमा आत्मानम पुनः दोबारा आत्मानम अपना विनोदिष्यामि विनोद करूंगा मनोरंजन करूंगा। मैं तो अपना मनोरंजन अपने आप करूंगा मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। ननु भूय द्रक्ष्यामि क्रोधस्य उपाध्यायस्य मुखम। ननु अवश्य ही भूयो हो बाद में द्रक्ष्यामि देखूंगा क्रुद्धस्य क्रोधित उपाध्यायस्य गुरुजी के मुखम मुख को। निश्चय से ही मैं बाद में गुरुजी के क्रोधित मुख को देखूंगा। संतवेते निकुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। संतवेते संती हैं एते ये सब निकुटवासिन हैं कोटर में रहने वाले घोंसले में रहने वाले एव ही प्राणिन है प्राणी मम मेरे वयस्या मित्र। निश्चय से ही ये कोटर में रहने वाले
घोंसले में रहने वाले प्राणी अर्थात पक्षी मेरे मित्र हैं। अत्स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतोराह्वयत्। अथ इसके बाद स उसने पुष्प जमा उद्यानम फूलों के बाग में व्रजंतम घूमते हुए मधुकरम भंवरे को दृष्ट्वा देख करके तम उसको क्रीड़ा हेतु जमा अहव्यत क्रीड़ा हेतु खेलने के लिए अहव्यत बुलाया। इसके बाद फूलों के बाग में घूमते हुए भंवरे को देख करके उसने उसे खेलने के लिए बुलाया। स द्वित्रिरस्या वाहनमेव न मानियामास है, वह द्वि दो त्रि तीन आवाहनमेव आवाहन से ही नहीं मानियामास है माना, वह दो तीन बार बुलाने से भी नहीं माना। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बालेसो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो तब भूयो भूयः बार बार हठम हठ आचरति आचरण करता है बाले बालक सो उसने अगायत गाया वयम हम तो मधु संग्रह व्यग्रा शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद बार बार हठ करने पर अर्थात इसके बाद बालक के बार बार हठ करने पर उसने गाया उसने अर्थात भंवरे ने गाया वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा हम तो मधु के संग्रह में शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बाल कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत दृष्टिश चटकमेकम चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत। तदा तब से उस बाल बालक ने कृतम अनेन किया जा रहा है अनेन इसके द्वारा कीटेन कीड़े के द्वारा मिथ्या झूठा ही गर्वितेन गर्व से इस कीड़े के द्वारा झूठा ही अहंकार किया जा रहा है इत अन्यत है इसके अलावा दूसरे और इसके अलावा दूसरी ओर दत्त दृष्टि ध्यान डाल करके देख करके चटकम एकम एक चिड़िया को चंचुआ चोंच के द्वारा तृण शलाकादिकम तिनके आदि की शलाका को तिनके आदि के टुकड़े को आददानम अपश्यत ले जाए जाते हुए देखा। तब उस बालक ने इस कीड़े के द्वारा झूठा ही गर्व किया गया है इति ऐसा सोच करके अन्यतः दूसरी ओर देखते हुए एक पक्षी को एक चिड़े को चोंच में घास के तिनके आदि उठाकर ले जाते हुए देखा। वाचच और बोला वाच बोला और बोला आई चटक पोतह आई अरे चटक पोतह चिड़िया के पुत्र अरे चिड़िया के पुत्र मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि मानुषस्य मनुष्य के मम मेरे मित्रम मित्र भविष्यसि बनोगे। अरे चिड़िया के पुत्र क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीडावह यही आओ क्रीडावह खेलेंगे आओ हम दोनों खेलेंगे। तेज शुष्कम एतत तृणम स्वादुनी भक्ष्य कमलानी ते दास्यामि। तेज छोड़ दो शुष्कम एतत शुष्कम सूखे एतत इस तृणम तिनके को स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष्य कमलानी खाने के योग्य पदार्थों के कमलानी ग्रास ते तुम्हें दास्यामि दूंगा। इस सूखे तिनके को छोड़ दो मैं तुम्हें खाने के योग्य स्वादिष्ट पदार्थों के ग्रास दूंगा। सैतु नीड कार्यो वट द्रु शाखायाम तद्यामी कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। सैतु वह तो नीड है घोंसले के कार्य में वट द्रु शाखायाम बरगद के पेड़ की शाखा पर यामी तद जमा यामी तद तो यामी जाता हूं कार्येण कार्य के द्वारा या कार्य से इति उक्त्वा ऐसा कहकर के स्वकर्म व्यग्रो अपने काम में व्यग्र बभूव लग गया। वह तो मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है तदयामी इसलिए जाता हूँ कार्येण कार्य से इति उक्त्वा ऐसा कहकर के अपने काम में लग गया। वह तो
मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसलिए अपने काम से जा रहा हूँ, ऐसा कह करके अपने काम में लग गया, व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालक है एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा तब खिन्नो दुखी बालक है बालक एते ये सब पक्षिणो पक्षी मानुषेषु मनुष्यों में नोपगच्छन्ति नहीं पास आते हैं। अर्थात इसके बाद दुखी हुआ वह बालक सोचने लगा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तदा अन्वेष्याम परम मानुषोचितम विनोदितारिमिति परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत। तदा जमा अन्वेष्यामि जमा अपरम, तदा तब अन्वेष्यामि खोजता हूँ अपरम दूसरे, मानुषोचितम मानुषः जमा उचितम मनुष्य के लिए उचितम उचित, विनोदितारमिति मनोरंजन के लिए जो सही हो। तो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के मनोरंजन के लिए योग्य किसी दूसरे को ढूंढता हूँ। परिक्रम में ऐसा सोच करके पलायमानम भागते हुए कमपि किसी श्वानम अवलोकयत कुत्ते को देखा, इसलिए मैं मनुष्य के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ, ऐसा सोचकर भागते हुए एक कुत्ते को देखा। प्रीतो बालस्तम इत्थम संबोधयामास मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे। प्रीतो प्रसन्न हुए, बालस्तम इत्थम बालक ने तम उसे कुत्ते को इत्थम इस प्रकार संबोधयामास संबोधित किया, रे मानुषाणाम मित्र अरे मनुष्यों के मित्र, किम क्यों पर्यटसी घूमते हो अस्मिन इस निदाग दिवसे गर्मी के दिन में, अरे मनुष्यों के मित्र इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो। प्रसन्न हुए उस बालक ने उस कुत्ते को देख करके इस प्रकार संबोधित किया, अरे मनुष्यों के मित्र क्यों इस प्रकार गर्मी के दिन में भटक रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरु मूलम, आश्रय ले लो इस प्रच्छाय शीतलम शीतल और गहरी छाया का, तरु मूलम पेड़ की जड़ में, इस पेड़ की जड़ में बैठ करके, इस पेड़ के नीचे बैठ करके इसकी शीतल और घनी छाया का आश्रय ले लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, अहमपि मैं भी क्रीड़ा सहायम खेलने के लिए सहायक त्वामेव अनुरूपम, त्वम जमा एव जमा अनुरूपम तुम्हारे समान ही, त्वाम एव तुम्हारे एव ही अनुरूपम समान पश्यामि इति देख रहा हूँ, मैं भी खेलने के लिए सहायता हेतु तुम्हारे जैसा ही कोई देख रहा हूँ। कुक्रह प्रत्यह बदले में कुक्रह कुत्ता प्रति जमा अह, प्रति बदले में अह बोला, कुत्ता बदले में बोला, कुत्ते ने उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। यो जो माम मुझे पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान प्यार से पोष्यति पोषित करता है स्वामिनः स्वामी गृहे घर पर तस्य उसके रक्षा नियोग करणाए रक्षा के कार्य में लगे हुए, रक्षा का काम करने में लगे हुए मया मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम हटना चाहिए इषदम अपि क्षण भर भी। अन्वय से देख लेते हैं एक बार, यह जो स्वामिनः स्वामी माम मुझे पुत्र प्रीत्या पुत्र के प्रेम से पोष्यति पोषित करता है पालता है तस्य उसके गृहे घर में रक्षा नियोग कारणात रक्षा के कार्य से मया मेरे द्वारा इषदमपि क्षण भर भी न नहीं भ्रष्टव्यम हटना चाहिए। भावार्थ क्या हुआ कि जो मेरा स्वामी पुत्र के समान मेरा पोषण करता है उसके रक्षा के कार्य में लगे हुए मुझे क्षण भर भी नहीं हटना चाहिए। सर्वैरेवम निषिद्धः स बालो विघ्नितः मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्व कृत्ये निमग्नो भवति। सर्वैरेवम सर्वै जवा एवं सबके द्वारा ही एवं इस प्रकार निषिद्ध है मना किए जाने पर निषेध किए जाने पर स बाल है वह बालक
विघ्निता मनोरथ है, टूटे हुए मनोरथ वाला, मन की इच्छा पूरी न होने वाला, सन हुआ कथम कैसे अस्मिन इस जगती संसार में प्रत्येकम प्रत्येक स्व स्व कृत्य अपने अपने काम में निमग्नो लगा हुआ भवती है। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे हुए मनोरथ वाला, इच्छा पूरी न होने वाला वह बालक सोचने लगा। उस बालक ने सोचा कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोऽपि अहमिव वृथा कालक्षेपम सहते, न नहीं कोऽपि कोई भी अहमिव मेरे समान ही वृथा बेकार में कालक्षेपम समय की बर्बादी सहते बर्दाश्त करता है, सहते सहन करता है, कोई भी मेरी तरह समय की बर्बादी सहन नहीं करता है। नमः एतेभ्य यैर्मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है, यही जिन्होंने मैं मेरी तंद्रालुतायाम आलस्य की भावना में कुत्सा घृणा को समापादिता पैदा कर दिया। इन सबको प्रणाम है जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा की भावना को जागृत कर दिया, पैदा कर दिया। अथ सवोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम उपजगाम। अथ इसलिए स्व जमा उचितम जमा अहम जमा अपि, स्व अपने लिए, उचितम उचित है, अहमपि मैं भी करोमि करता हूँ, इसलिए जो मेरे लिए उचित है मैं भी करता हूँ। इति विचार्य ऐसा सोच करके त्वरितम शीघ्रता से पाठशालाम पाठशाला की ओर उपजगाम चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषीम प्रथम संपदम चलेभे। ततः इसके बाद प्रभृति, इस प्रकार स उसने विद्याव्यसनी भूत्वा विद्या में अध्ययनरत हो करके महतिम वैदुषीम बहुत विद्वत्ता को, प्रथम यश को, संपदम च और धन को लेभे प्राप्त किया। इसके बाद विद्या के प्रति इच्छा युक्त होकर के, विद्या के प्रति जागरूक होकर के उसने विद्वत्ता और कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। तो बच्चों ये तो था भ्रांतो बाल है हमारे इस छठे पाठ का संस्कृत से सरल हिंदी अनुवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई समस्या रहती है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। धन्यवाद।